हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन ब्लॉगर भावना मनवाल। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से, और शाम को मैं बना रही हूँ अरबी की, सूखी अरबी की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप रोटी या परांठों के साथ उसको करते हैं। तो बस ये मैं, जैसा कि सावन चल रहा है, बिना लहसुन प्याज के खाना बना रही हूँ, तो बस हल्का सा मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन डालने के बाद अदरक और हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी है, और नमक मिर्च वगैरह मैंने यहीं पर ही डाल दिए ताकि वो अरबी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बस यहाँ पर मैंने इसमें अरबी डाली है, थोड़ी सी अमचूर डालूँगी, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, और सब्जी हो गई रेडी, बिल्कुल फटाफट झट से बन जाने वाली और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी लगने वाली ये सब्जी है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए, बहुत सीरियसली बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, और बहुत ही झटपट बहुत ही जल्दी बन जाती है। और आप इसको तरी वाली भी बना सकते हैं अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाह रहे हैं, बट अगर रोटी या परांठे के साथ खाना चाह रहे हैं तो इस तरह से सूखी सब्जी ये बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर मेरी सब्जी हो गई रेडी, और अब मैं बना रही हूँ परांठे, क्योंकि अरबी के साथ सब्जी, रोटी या परांठा कुछ भी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलिए परांठे सेक लेते हैं फटाफट से। तो बस यहाँ पर फटाफट से परांठे बनाऊँगी, और रोटी का साइज़ पे बिल्कुल बन जाएगा एक्चुअली, फटाफट से जल्दी रहती है शाम को थोड़ा सा, तो बस फटाफट फटाफट मैं इसको परांठों को सेकती हूँ। यहाँ पर काना को था कि वो परांठे ही खाएगा, उसके पापा को भी, तो बस मैं फटाफट से परांठे वगैरह बनाऊँगी। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बस अभी मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं आई हूँ, आई तो खैर बहुत पहले थी, 9 बजे, 9 बजने वाले हैं, 8:50 के लगभग हो रहा है टाइम। और अरबी की सब्जी बनाई थी, जैसा कि मैं वीडियो दिखा चुकी हूँ, अरबी और परांठे बनाए थे, और खाना भी खा चुकी हूँ, खाना पीना सब निपट गया है, किचन वगैरह हो गया है, बस थोड़ा सा मंदिर जाने का रह गया। मंदिर वैसे 8:15 बजे जाती थी, बट लेकिन आज पाँव में बहुत दर्द है, कल से दर्द हो रहा है, दुख सा रहा है ना, थकान सी हो जाती है यार, आजकल वैसे भी फास्ट हैं और पूरा दिन घर पे भी ऑफिस में भी काम है ही है, तो थक सी जाती हूँ, तो बस थोड़ा सा ये था। तो मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी अमित जी आएंगे, बुकिंग गए हुए हैं, तो आते तो मैं एक्टिवा से होके फटाफट आ जाती, अब देखती हूँ, वैसे नींद सी भी आ रही है, और मैंने इधर अपने कपड़े भी सुबह के लिए निकाल के रखे हुए हैं, 2 जोड़ी निकाले हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है हरिद्वार में, आज दिन में भी बहुत बारिश पड़ी है, शाम को जब मैं आई हूँ पूरा 1 घंटा लगा, सुबह मुझे आज 20 से 25 मिनट लगे फैक्ट्री पहुँचने में, मतलब ठीक ठाक एक्टिवा चलाने लगी हूँ, बट लेकिन शाम को आते समय मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा, मैं आई थिंक 6 बजने के लिए 4-5 मिनट थे जब मैं निकली थी, और घर मैं 7:05 के लगभग पे पहुंची हूँ, तो 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगा लगभग, बट लेकिन इतना पानी था घुटने घुटने तक, ऑफिस में तो सब बोल रहे थे कि छोड़ देंगे या तुम ऐसे, फिर मैंने सोचा कि यार अगर इस तरह से डरूंगी या इस तरह से सोचूंगी तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी ना, फिर मैं आज धीरे धीरे ले आई, मैंने सोच के आई थी फैक्ट्री से ही कि पैर टेक के ही चलना है, बिल्कुल पैर ज़मीन पर, और मैंने मतलब अच्छे से स्मूथली चला लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार कैसे निकलूंगी, आराम से चला लिया, और टचवुड बस ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहता है, तो कर ही लेती हूँ, बट लेकिन अगर रात भर बारिश हुई या रहा तो सुबह मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लेट ही जाऊँगी, वैसे भी कल से खाना के ऑनलाइन एग्जाम है, और सूट निकाला मैंने 2 जोड़ी, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी उस दिन पानी में फंस गई थी, तो सारे कपड़े भीग गए थे, अभी मेरा रेनकोट भी मुझे लेना है तो अभी नहीं लिया है,
तो मैं सोच रही हूँ दो जोड़ी कपड़े प्रेस कर लूँगी, तो एक जोड़ी लेके जाऊँगी अगर मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ी तो, देखते हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो आज मैं वीडियो का एंड फ़िलहाल यहीं कर दूँगी क्योंकि अब थक भी लग रही है और ऑफिस से मतलब मंदिर से आने के बाद, तो वीडियो का एंड होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। कल मिलूँगी एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, जानती हूँ गुड नाइट बोल दिया है, बट लेकिन मैं उसके बाद मंदिर आई थी तो मैं सोचा कि चलिए आपको दर्शन करा देती हूँ। आजकल सावन चल रहे हैं, इसमें शंकर जी के दर्शन कराना, शायद आप लोग दर्शन करें तो आप लोग भी फल प्राप्ति हो और मुझे भी, मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ तो शायद कुछ अच्छा हो। तो लीजिए आप सबको दर्शन कर लीजिए और हर हर महादेव अपने बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आप फिलहाल मैं देती हूँ और अब मैं धीरे धीरे घर जा रही हूँ। तो मैं सोचा कि चलिए रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बना ही लेती हूँ क्योंकि आज का वीडियो मैं आने के बाद ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी, तो मैं सोचा कि चलिए आपको आश्रम में दर्शन करा दीजिए आज। और ये हैं मेरे गुरु महाराज जी, जिसकी जिनकी मैंने तस्वीर बनाई है अभी गुरु पूर्णिमा पर, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बाय बाय।